सिलेबस जल्दी खत्म करके क्या करोगे बताओ जरा, कर लो खत्म। आप देखो उसमें बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मेरा माइंड मैप डला हुआ है, 1.5 घंटे का पढ़ लो उससे, समझ में पढ़ लो उसको, अभी सारे क्वेश्चन बन जाएंगे टेस्ट में, 2-3 महीने बाद सब भूल जाओगे, सब भूल जाओगे। समझ में आ गया, धीरे धीरे चीजें जाती हैं, याद रखना धीरे 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 चीजें जाती है। भगवान कृष्ण बहुत अच्छे से इस बात को समझना, भगवान कृष्ण का मुख्य जो जन्म हुआ था वो केवल और केवल गीता का उपदेश देने के लिए हुआ था, उनका मेन पर्पस था गीता का उपदेश। और आपको मालूम है उन्होंने कौन सी एज में दिया था, 89 की एज में। समझ में आ गया, तो सब्र रखना सीखो, इस मेडिकल प्रोफेशन की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सब्र रखना सीखो। यदि सब्र नहीं है देन आप में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ही नहीं है, इस बात को समझो। मैंने बोला ना रील का जमाना है, इमीडिएटली आपको वायरल होना है, इमीडिएटली फेमस होना है, इमीडिएटली आपको सब कुछ चाहिए, ठीक है। लेकिन उससे बेटा इस बात को बहुत अच्छे से समझ ला, आप जिस फील्ड में जा रहे हो वो आपको नहीं मिलेगा, ये बात बहुत अच्छे समझ लो। मैं तो डेवन से बोल रहा हूं भाई 10 बच्चे पढ़ो, समझ में आ गया, ज्यादा की जरूरत नहीं। इस साल टॉप 100 में मान लो 5 आ रहे हैं, क्लियर है, अगले साल यदि ये 10 आ जाएंगे तो भी बहुत अच्छा रिजल्ट रहेगा। बात समझ में आई, तो मैं उनको पढ़ाऊंगा जो एक्चुअल में पढ़ना चाहते हैं, क्लियर है। क्योंकि मैं बहुत ऐसे स्टूडेंट से मिला हूं, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कितनी ड्रास्टिक कंडीशन में बेचारे पढ़ाई करते हैं, क्लियर है।